फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस डेफिनेशन ऑफ प्राइम आइडियल्स विद एग्जांपल्स और जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब कवर करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे प्राइम आइडियल का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। लेट आर बी अ कम्यूटेटर रिंग एंड लेट पी बी एन आइडियल ऑफ आर, पी नॉट इक्वल टू आर, दैट मीन्स पी is a proper ideal of R. Okay, then P is said to be prime ideal of R if AB belongs to R such that A dot B belongs to P, then directly implies A belongs to P or B belongs to P. Okay, जैसे maximal ideal में हम जो ideal लेते थे वो क्या होता था, proper ideal होता था, same वही procedure है ना। R को भी commutative लेते थे, same यहाँ पर भी जो भी आप ring लेंगे उसे commutative ring लेंगे, उस कॉम्बिटिव रिंग का आप एक प्रॉपर आइडियल उठाएंगे, उस प्रॉपर आइडियल को आप क्या बोलेंगे, प्राइम आइडियल। कंडीशन ये है कि अगर रिंग से कोई भी दो एलिमेंट ऐसा लिया जाए कि उनका अगर प्रोडक्ट पी में है, अगर उस आइडियल में है, तो समझ लीजिए दोनों में से कोई एक पॉइंट पी के अंदर होना ही चाहिए। दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू पी और बी बिलोंग्स टू पी। हो सकता है कि ए और बी दोनों के दोनों पी के अंदर हो, कन्फर्म हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हुआ कि कोई भी आप आइडियल लेंगे, ठीक है ना, प्रॉपर आइडियल के तौर पे, उस आइडियल को प्राइम आइडियल बोलेंगे। यदि अगर कोई भी दो एलिमेंट यहाँ से लिया जाए उनका प्रोडक्ट पी में है, तो दोनों में से कम पी में होना ही चाहिए, और ये और भी दोनों के दोनों भी पी में हो सकते हैं, ठीक है ना। और का मतलब यही होता है ना भाई, हो सकता है ये इसमें हो सकता है ये, हो सकता है दोनों के दोनों, ये कंडीशन क्लियर है। एग्जाम्पल से बातें और समझ आ जाएगा। देखिए, सिंगलटन जीरो इज प्राइम आइडियल ऑफ जेड, z प्लस डॉट रिंग ऑफ इंटीजर्स मैंने लिया है ना। अब देखिए, सिंगलटन जीरो ऑब्वियस है, इनका आइडियल तो होता ही है। इनके कितने आइडियल्स होते हैं, एम जेड आइडियल्स होते हैं, एम जेड है ना, दैट मीन्स जीरो है ना, जेड जीरो, जेड मतलब सिंगलटन जीरो हो गया, जेड टू, जेड थ्री, जेड ऐसे जितने भी है सबके सब क्या होते हैं, इनके आइडियल्स होते हैं। हम प्राइम आइडियल की बात कर रहे हैं, तो मैंने सिंगलटन जीरो को इनका आइडियल लिया, ऑब्वियस है ये इनके इक्वल नहीं है, हमें प्रॉपर लेना है तो प्रॉपर तो है ही। अब देखना ये है कि कोई भी दो एलिमेंट यहाँ से उठाते हैं, कहाँ से, रिंग है ना, इस तरह से लेना है, कोई दो एलिमेंट जो ले रहे हैं उसको इस तरह से टैग करना है कि दोनों को प्रोडक्ट इसमें जाना चाहिए। तो हमने ए और बी जेड से इस तरह से टैग किया कि उनका जो प्रोडक्ट है सिंगलटन जीरो में जा रहा है। अब भाई सिंगलटन जीरो में ए और बी के जो प्रोडक्ट है जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी जीरो है, ऑब्वियस है, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है जीरो, तो ए डॉट बी क्या होगा, जीरो के इक्वल। अगर ए डॉट बी जीरो है तो दोनों में से कोई एक जीरो होगा, ऑब्वियस है, बिकॉज जेड इज इंटीग्रल डोमेन है ना, क्लियर है, सिंस जेड इज एन आईडी। इस वजह से ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर प्रोडक्ट जीरो है तो रिंग्स विदाउट जीरो डिविजर का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि अगर प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों में से कम एक जीरो होगा, क्लियर। अब यहां से पता चल रहा है कि ए जीरो या फिर बी जीरो, अगर ए बी जीरो तो इसका मतलब ए बिलोंग्स टू सिंगलटन जीरो, और अगर बी जीरो तो फिर बी बिलोंग्स टू सिंगलटन जीरो। इसका मतलब इंप्लाई कर गया ना भाई, आपने रिंग से दो एलिमेंट लिया, प्रोडक्ट इसमें था, तो दोनों में से कम एक सिंगलटन जीरो जा रहा है, दैट मींस सिंगलटन जीरो इज प्राइम आइडियल ऑफ सेट, कंफर्म हुआ। नोट देखिए, इफ आर इज एन इंटीग्रल डोमेन दैट इज आई डी, देन आई इक्वल्स टू सिंगलटन जीरो इज प्राइम आइडियल ऑफ आर। मतलब ये हुआ कि किसी भी इंटीग्रल डोमेन के लिए सिंगलटन जीरो हमेशा प्राइम आइडियल होता ही है, कन्फर्म है, इस बात को ध्यान रखिए कि किसी भी रिंग के लिए, किसी भी इंटीग्रल डोमेन के लिए, फॉर एनी इंटीग्रल डोमेन सिंगलटन जीरो इज ऑलवेज प्राइम आइडियल, कन्फर्म। तो प्रूफ कैसे करें, तो देखिए, लेट आर बी एन आईडी, हमने इंटीग्रल डोमेन लेकर चला है, आर जो है इंटीग्रल डोमेन है। अब इंटीग्रल डोमेन है, हमने यहां से एलिमेंट टैग किया, सपोज ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। इंटीग्रल डोमेन से हमने दो एलिमेंट इस तरह से टैग किया कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो जीरो में जा रहा, क्योंकि जीरो के इक्वल है। हमने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है कि पहले तो हमें रिंग से कोई भी दो एलिमेंट कंसीडर करना है जो कि सिंगलटन जीरो बिलोंग करना चाहिए। अब दोनों का प्रोडक्ट सिंगलटन जीरो में तभी बिलोंग करेगा जब वो प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा, कन्फर्म हो गया। तो इस तरह से हमने रिंग से दो एलिमेंट टैग किया, प्रोडक्ट है जीरो, दैट मीन्स ए डॉट बी सिंगलटन जीरो में बिलोंग कर रहा है, हमें सिंगलटन जीरो को ही देखना है ना, याद रखिए। अब देखिए, ए डॉट बी जीरो के इक्वल है, अगर ए डॉट बी जीरो है तो दोनों में से कोई एक जीरो होगा, कहां से, रिंग्स विदाउट जीरो डिविजर के कॉन्सेप्ट से, बिकॉज वी नो दैट जीरो डिविजर, देखिए रिंग्स विदाउट जीरो डिविजर के कॉन्सेप्ट से ये क्यों हुआ, क्योंकि आपका जो आर है वो इंटीग्रल डोमेन है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग, कन्फर्म। तो आप बगल में लिखेंगे, चूंकि है ना, सिंस आर इज एन आईडी, और आईडी की वजह से दोनों में से कम एक जीरो होगा, इसका मतलब ए बिलोंग्स टू सिंगलटन जीरो और बी बिलोंग्स टू सिंगलटन जीरो,
ठीक है ना, यहाँ से इंप्लाई हो गया आपने दो एलिमेंट रिंग से लिया, प्रोडक्ट सिंगलटन जीरो में है, दोनों में से कोई एक जो है सिंगलटन जीरो में जा रहा है, दैट इज द कंडीशंस ऑफ प्राइम आइडियल, एंड सो दिस इंप्लाइज दैट सिंगलटन जीरो इज प्राइम आइडियल ऑफ आर। यहां तक कंफर्म हो गया, तो इस तरह से बातें क्लियर हो जाना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम हम देख लेते हैं। थ्योरम, एवरी फील्ड एफ हैज एग्जैक्टली वन प्राइम आइडियल, मतलब जितने भी फील्ड होते हैं सबके सब एक ही प्राइम आइडियल रखते हैं, क्लियर है? और वो कौन सा? सिंगलटन जीरो। दैट मींस एवरी फील्ड एफ हैज एग्जैक्टली वन प्राइम आइडियल, नेमली सिंगलटन जीरो। ओके, इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मैक्सिमम आइडियल भी सिंगलटन जीरो के तौर पर रखता है, सेम प्राइम आइडियल भी सिंगलटन जीरो रखता है। तो सबसे पहले तो इनका प्रूफ में अगर देखना है तो जो फील्ड है उनके पास कितने आइडियल होते हैं? जितने भी फील्ड होते हैं उनके पास एग्जैक्टली टू आइडियल्स होते हैं, कंफर्म ना? सिंस एवरी फील्ड हैज एग्जैक्टली टू आइडियल्स नेमली सिंगलटन जीरो एंड एफ। इतना तक क्लियर? तो जितने भी फील्ड होते हैं, आपने कौन से जैसे नाम दे दिया एफ, ठीक है ना, तो फील्ड जो है उनके पास दो ही आइडियल होते हैं, एक होता है सिंगलटन जीरो, एक होता है इटसेल्फ। अब इटसेल्फ को आप नहीं ले सकते क्योंकि आपको प्रॉपर लेना है, कंफर्म ना? तो बचा क्या? सिंगलटन जीरो। अब सिंगलटन जीरो को देखना है कि ये प्राइम आइडियल है या नहीं, तो इनका आप आसानी से प्रूफ देख सकते हो, इससे जस्ट पहले हमने देखा ही है। तो सबसे पहले तो फील्ड क्या होता है? इंटीग्रल डोमेन होता है, एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, कंफर्म ना? और जस्ट अभी प्रूफ देखे कि एवरी इंटीग्रल डोमेन, ठीक है ना, मतलब जितने भी इंटीग्रल डोमेन होते हैं उसमें सिंगलटन जीरो हमेशा उनका प्राइम आइडियल होता ही है, ठीक है? तो वहां से इंप्लाई हो जाएगा, सिंस फील्ड इंप्लाइज, या सिंस फील्ड इज आईडी, है ना, जो फील्ड होता है वो इंटीग्रल डोमेन होता है, एंड वी नो दैट इंटीग्रल डोमेन हैज प्राइम आइडियल सिंगलटन जीरो, देयरफॉर सिंगलटन जीरो इज प्राइम आइडियल ऑफ एफ, कंफर्म हुआ? तो ये हमेशा ध्यान रखिए, तो कोई भी फील्ड आप लेते हैं उनके पास दो आइडियल होता है, सिंगलटन जीरो और एफ, इसको आप नहीं ले सकते क्योंकि प्रॉपर चॉइस करना है, बचा ये, तो फील्ड होता है इंटीग्रल डोमेन, और इंटीग्रल डोमेन के लिए सिंगलटन जीरो में से प्राइम आइडियल होता है, इसलिए सिंगलटन जीरो प्राइम आइडियल है, और केवल एक ही हुआ, इसका मतलब एवरी फील्ड हैज एग्जैक्टली वन प्राइम आइडियल। ओके, अब एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो जितने भी आप जानते हैं, ठीक है ना, जैसे आप जानते हैं रैशनल फील्ड क्यू, है ना, रैशनल फील्ड हो गया, रैशनल से ही ये क्यू रूप भी निकलता है, रियल फील्ड है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स फील्ड है, रिंग ऑफ इंटीजर्स निकलता है जेड जेड पी करके, तो इस तरह से और भी है जेड थ्री ऑफ आई, जेड सेवन ऑफ आई, ये सब के सभी सभी क्या है? फील्ड है। तो ये सभी फील्ड है, इसका मतलब इनके लिए केवल सिंगलटन जीरो ही क्या होगा? प्राइम आइडियल होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी फील्ड हो उनके लिए सिंगलटन जीरो क्या होता है? प्राइम आइडियल होता है, ओनली सिंगलटन जीरो, है ना, कंफर्म? एग्जाम्पल देख लेते हैं। और एग्जाम्पल्स, पी जेड इज प्राइम आइडियल ऑफ जेड, रिंग ऑफ इंटीजर्स जो होता है जेड, उनके जो आइडियल्स प्राइम आइडियल्स जो होते हैं वो पी जेड होते हैं। वैसे आइडियल्स तो एम जेड होता है, लेकिन प्राइम आइडियल्स पी जेड के फॉर्मेट में होता है, दैट मीन्स 2Z, 3Z, 5Z, 7Z इस फॉर्मेट में होगा, है ना, जहाँ पे पी क्या है? प्राइम नंबर, है ना, जो मैंने कहा सेम वही जो मैक्सिमल आइडियल का केस होता था, पूरा कॉपी होगा। इसका प्रूफ आप देख लीजिए कंडीशन को, क्योंकि अब कंडीशन तो अलग होगा ना प्रूफ का, वो देख लेते हैं। तो देखिए, पी जेड को प्राइम आइडियल आपको बताना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको जेड से कोई भी दो एलिमेंट ऐसे टैग करना है कि दोनों का प्रोडक्ट ए डॉट बी किस में जाना चाहिए? पी जेड में। और फिर हमें बताना है कि दोनों में से कम एक पी जेड के अंदर ही मौजूद है। तो देखिए हमने क्या किया, इफ ए डॉट बी, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है हमने क्या लिया, ए और बी, जेड से इस तरह से टैग किया कि दोनों का प्रोडक्ट इसमें है। अब ए डॉट बी अगर पी जेड में है तो ए डॉट बी किस फॉर्मेट में होगा? पी के मल्टीपल में होगा, ठीक है ना, प्राइम के मल्टीपल में होगा क्योंकि पी जेड में बिलोंग कर रहा है ना, तो पी डॉट एक्स के फॉर्म मैंने लिख दिया इसे, जहां पर एक्स क्या है आपका? इंटीजर है, इसे मैंने लिखा देयर एग्जिस्ट्स एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड सच दैट ए डॉट बी इक्वल्स टू पी डॉट एक्स करके। इतना तक कंफर्म? अब देखिए, पी डिवाइड्स पी डॉट एक्स, तो पी डिवाइड्स ए डॉट बी, दैट मीन्स पी डिवाइड्स ए डॉट बी, यहां तक कंफर्म? तो हमने यहाँ से डायरेक्टली आप ये समझ लीजिए कि ए डॉट बी पी पी जेड में बिलोंग करता है, तो पी डिवाइड्स ए डॉट बी होता है। अब हमारा टारगेट ये है कि दोनों में से कोई एक को डिवाइड करना ही चाहिए, तो
फिर वहां से इंप्लाई हो जाएगा कि ए और बी दोनों में से कोई ना कोई एक पी जेड में बिलोंग करता है। ठीक है, तो देखिए नाउ इफ पी डिवाइड्स ए, अब अगर पी ए को डिवाइड करता है इसका मतलब ए पी के मल्टीपल में है, दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू पी जेड। तो यहां से फिर बी वॉट एवर कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ए बिलोंग कर गया ना, इसका मतलब ये हुआ कि पी जेड प्राइम आइडियल है, ये तो मैंने ये लिया। लेकिन अगर पी डज नॉट डिवाइड, तब अगर पी ए को डिवाइड नहीं कर रहा है मतलब कि ए जो है पी का मल्टीपल नहीं है, अगर पी का मल्टीपल नहीं है और इंटीजर है ना, तो ये वन है ना, वन फोर नाइन इस फॉर्मेट में होगा ये। ठीक, और ये प्राइम है तो उनके साथ हमेशा जीसीडी कितनी होती है, वन होती है, किसी भी प्राइम नंबर का। ठीक है, नॉन प्राइम नंबर के साथ जीसीडी वन होती है ऑलवेज, तो जीसीडी हो गया वन, इतना तक कन्फर्म। तो ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा इस वजह से, ऑलवेज वाली बात नहीं है, ये डिवाइड नहीं कर रहा इस वजह से सिचुएशन है, क्योंकि ए में पी कॉमन नहीं है तभी ऐसा हो रहा है। ओके, इतना कन्फर्म हो गया। अब जीसीडी ऑफ पी इक्वल टू वन, तो बी मस्ट बी पी डॉट एक्स, मतलब कि बी जो है निश्चित रूप से पी डॉट एक्स के फॉर्म में हो, क्योंकि पी को डिवाइड कर पी डिवाइड्स ए डॉट बी आपने लिखा है, और जिसमें से ए पी के मल्टीपल में नहीं है, मतलब बी मस्ट बी पी जो होगा पी के मल्टीपल में होगा, तभी तो ये इसको डिवाइड कर पाएगा, कन्फर्म। अब बी अगर पी डॉट एक्स के फॉर्म में है, दैट मीन्स पी डिवाइड्स बी होगा इस सिचुएशन में, यानी कि बी बिलोंग्स टू पी जेड। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो डायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो ये है कि पी जेड इज प्राइम आइडियल ऑफ जेड, दैट मीन्स 2z, 3z, 5z, 7z, 11z, ये जितने भी हैं सबके सब जेड के प्राइम आइडियल्स होते हैं। इतना तक क्लियर। अब रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो n के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड ऑल प्राइम आइडियल्स ऑफ z10। ओके, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, z10 के प्राइम आइडियल्स कौन कौन से हैं उसे हम फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आइडियल्स क्या क्या होता है, 10 के जितने डिविजर्स होते हैं है ना, ठीक है, उतने ही प्राइम आइडियल उतने ही आइडियल्स होते हैं। तो देखिए 10 के डिविजर्स 1, 2, 5, 10, 4 आइडियल्स होंगे। कैसे निकलते हैं, 1 को मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2 को कीजिए और 5 को कीजिए और 10 को कीजिए, तो 1z10 से तो z10 एज इट इज आ गया, और 10z10 से सिंगलटन 0। ओके ठीक, और यहाँ से ये हुआ ये है ना, याद रखिए सभी मॉड्यूलो 10 के अंदर में है। इसको तो आप टेक नहीं कर सकते क्योंकि आपको प्रॉपर लेना होता है, तो इट सेल्फ तो नहीं ले सकते। अब ये तीनों पे बात करते हैं, कॉम्पिटेटिव रिंग है इस बात को पहले देखना है, यस है, अब इसको नहीं ले सकते, तीनों पे बात करेंगे। अब तीनों में लास्ट को ध्यान से देखिए, टेन जेड टेन सिंगल्टन जीरो पे बात करते हैं। तो देखिए सिंगल्टन जीरो पे आप यहां से दो एलिमेंट ऐसा टैग कीजिए कि उनके इसके अंदर बिलोंग करें, कैसा है, तो 2 और 5, मैंने z10 से चॉइस किया सच दैट 2.5, याद रखिए डॉट का मतलब होता है कौन सा डॉट है यहाँ पर है ना, ये मॉड्यूलो 10 के रिस्पेक्ट में, तो 2.5 10 10 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर को लिखा जाता है, ठीक है ना, बिलोंग्स टू सिंगल्टन 0, बट 2 डज नॉट बिलोंग टू सिंगल्टन 0, 5 डज नॉट बिलोंग टू सिंगल्टन 0। क्लियर हुआ, रिंग से मैंने दो एलिमेंट टैग किया, दोनों का प्रोडक्ट तो सिंगल्टन जीरो में है, लेकिन ये दोनों में से कोई भी इसके अंदर नहीं करता, इसका मतलब बिलोंग नहीं करता, तो क्या हो गया, सिंगल्टन जीरो इज नॉट प्राइम आइडियल ऑफ दिस रिंग, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है। तो ये बताने की कोशिश है कि सिंगल्टन जीरो ऐसा नहीं कि हमेशा प्राइम आइडियल होता ही, तो यहाँ पर कंट्रडिक्शन मिला ना। तो z10 अच्छा इंटीग्रल डोमेन है कि नहीं, इंटीग्रल डोमेन नहीं है, है ना, z n इज id इफ एंड ओनली इफ n equals to p, p means prime number, ये सिंपली मैं कहूँ तो zp होता है id। और इंटरेस्टिंग आपको ये भी पता है एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, तो zp फील्ड तो होता है, तो हमेशा ध्यान रखिए zp id इफ एंड ओनली फील्ड, ठीक है, तो id नहीं है, इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, id होता तो सिंगल्टन जीरो id सिंगल्टन जीरो जो है जरूर प्राइम आइडियल होता, तो ये तो ठीक है, तो यहाँ पर नहीं है ये प्राइम आइडियल, ये भी कट। अब बचा 2z10 5z10, यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट ऐड कीजिए, उनका प्रोडक्ट देखिए इसके अंदर आएगा ही आएगा, अभी जितने भी 0, 2, 4, 6 यहाँ से कंसीडर करोगे प्रोडक्ट करोगे तो आएगा ही, उसके अलावा जैसे आपने यहाँ से 1 लिया और 2 ले लिया, प्रोडक्ट कर लीजिए 2, ठीक है ना, बिलोंग कर रहा है, दो एलिमेंट यहाँ से टैग किए, दोनों प्रोडक्ट इसमें है, और देखिए दोनों में से कोई एक है इसके अंदर प्राइम आइडियल हो गई, कोई भी दो सेम यहाँ पर, ठीक है ना, कोई भी दो एलिमेंट, जैसे आपने यहाँ से उठाया 2, यहाँ से उठाया 5, 2.5 10 0 इसके अंदर है, और दोनों में से एक एलिमेंट 5 भी इसके अंदर है, तो कोई भी दो एलिमेंट यहाँ से टैग कीजिए, उनका प्रोडक्ट इसमें जाएगा, तो उसमें से एक एलिमेंट जरूर इसके अंदर होगा, मतलब 2z10 एंड 5z10 आर प्राइम आइडियल, दैट्स इट, कंफर्म। इस बात को ध्यान रखिए, खुद से भी एग्जांपल लीजिए, और आपको ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करना है,
आपने मैक्सिमल आइडियल में सब रिंग में आपने मेहनत किया था, आपने मैक्सिमल आइडियल के कॉन्सेप्ट में मेहनत किया था, समझ लीजिए अब नहीं करना है। मैक्सिमल आइडियल एज इट इज कॉपी होगा, मतलब कि जो हम जेड एन के लिए रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो एन के लिए जो मैक्सिमल आइडियल फाइंड करते थे वही प्राइम आइडियल होता है, यानी इफ एंड ओनली चलता है। जितनी मैक्सिमल आइडियल होती थी उतनी ही प्राइम आइडियल होगा यहाँ पर, और वही एज इट इज वही छोगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जो भी फार्मूला था हम कॉपी कर रहे हैं ताकि रिवाइज हो जाए, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना? तो देखिए, नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स, नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स ऑफ जेड एन इक्वल्स टू क्या था, नंबर ऑफ प्राइम डिविजर्स या फिर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ एन, एन के जितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, एन को प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसमें जितने प्राइम नंबर्स होंगे उतने ठो, समझ लीजिए क्या होगा, प्राइम आइडियल्स होगा। कंफर्म सेम कॉपी हो रहा है, ठीक? तो नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स ऑफ जेड एन इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइम डिविजर्स ऑफ एन, ठीक है? तो ये हाउ मेनी, कितने हैं उसको के लिए, लेकिन कौन कौन से हैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो जो प्राइम होगा, ठीक है ना, जो जो प्राइम डिविजर, जैसे कि एन इक्वल टू है पी पावर ए क्यू पावर बी आर पावर सी, मान लो इस तरह से, मान लो इतना है, समझ लीजिए, तो समझ लीजिए पी क्यू आर तीन ठो है, इसका मतलब कि समझ लीजिए इस सिचुएशन में जेड एन की जो आपका प्राइम आइडियल्स होगा वो तीन ठो होगा, और कौन कौन से होगा, तो ये पी क्यू आर तीनों प्राइम नंबर्स को प्रोडक्ट कर दीजिए, दैट मीन्स पी इंटू जेड एन क्यू इंटू जेड एन, ठीक है ना, आर इंटू जेड एन, यही क्या होंगे, प्राइम आइडियल्स होंगे। कन्फर्म, अगर आप प्रीवियस वीडियोज अगर देखे हैं मैक्सिमल आइडियल का तो बहुत इजी लग रहा होगा, है ना, प्रैक्टिस जरूरी लेगी ना, ये बात भी ध्यान रखिए। मैं एग्जांपल दे देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना? तो देखिए एग्जांपल्स, देखिए मैं जैसे ले लेता हूँ जेड एट का, तो नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स ऑफ जेड एट इक्वल्स टू, देखिए एट का मतलब होता है टू क्यूब, तो प्राइम फैक्टर्स एक ठो है, इसका मतलब कि नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स ऑफ जेड एट होगा वन, इतना तक क्लियर? अब कौन सा होगा, तो यहां पर जो प्राइम नंबर टू है उसी को मल्टीप्लीकेशन के लिए, यानी कि जेड एट है ना, टू इंटू जेड एट, यही आपका प्राइम आइडियल होगा। कंफर्म, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे कि मैंने लिया नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स ऑफ जेड है ना, जेड थर्टी जैसे मैंने ले लिया, ओके, थर्टी का मतलब क्या होता है, टू इंटू थ्री इंटू फाइव, कितना होगा ये थर्टी, कितने प्राइम डिविजर्स हैं, थ्री, है ना, इसका मतलब कि नंबर ऑफ प्राइम आइडियल्स ऑफ जेड थर्टी इक्वल टू थ्री, और कौन कौन से होंगे, आई वन आई टू आई थ्री, तीन होगा मतलब आई वन आई टू आई थ्री ना, तो टू को कीजिए मल्टीप्लीकेशन, थ्री को कीजिए और आप फाइव को कीजिए, ठीक है? तो इस तरीके से प्राइम आइडियल्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दिसंबर 2014 नेट में आया था क्वेश्चन पार्ट बी का, है ना, इसको केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए और इसी के साथ क्लास एंड होगा। तो क्वेश्चन ये है, लेट पी क्यू बी डिस्टिंक्ट प्राइम्स, ये डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, देन जेड अपॉन पी स्क्वायर क्यू जेड हैज एग्जैक्टली थ्री प्राइम आइडियल्स, हैज एग्जैक्टली थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम आइडियल्स, हैज एग्जैक्टली टू प्राइम आइडियल्स, हैज अ यूनिक मैक्सिमल आइडियल। तो सबसे पहली चीज तो ये है, आपको यहाँ मैक्सिमल और प्राइम में कन्फ्यूज नहीं होना, मैं बता दिया हूँ। सबसे पहले तो ये कि z अपॉन p स्क्वायर क्यू, आपको ये पता है कि z अपॉन n z इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन, ये कॉन्सेप्ट पहले पता होना चाहिए, हमेशा याद रखिए कि ये फैक्टरिंग होता है, एक्चुअली फैक्टर का ही क्वेश्चन है, बट ये इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, z अपॉन n z इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन। अब समझ लीजिए ये जो क्वेश्चन है ये कन्वर्ट किस में हो चुका है, z p, z upon p square q z is isomorphic to z p square q, clear हो रहा है, इस formation से यहाँ p square q, तो यहाँ p square q, अब इस पर logic लगाइए, z p square q, वही answer मिल जाएगा। देखिए z p square q में ये p square q जो है already prime factor के format में है p और q के, ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ दो ही तो prime factors हैं, इसका मतलब दो prime numbers होने के वजह से इनके पास दो maximum ideal होंगे और साथ ही साथ दो prime ideal होंगे, तो यहाँ यूनिक मैक्सिमल आइडियल बोला है, डिस्कार्ड हो गया, ठीक है ना, आइसोमॉर्फिक होने का मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी टोटली इनका होगा, ठीक, तो इनके पास P और Q दो प्राइम फैक्टर्स होने की वजह से दो प्राइम आइडियल भी होंगे एज वेल एज दो मैक्सिमल आइडियल, यूनिक मैक्सिमल की वजह से डिस्कार्ड, थ्री डिस्टिंक्ट प्राइम, ये टोटली डिस्कार्ड,
हमारा आंसर होगा ये, है ना, z अपॉन पी स्क्वायर क्यू जेड हैज एग्जैक्टली टू प्राइम आइडियल्स। एक चीज और, हमने जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है स्टार्टिंग सब रिंग से किया, रिंग थ्योरी से किया था, फिर हमने सब रिंग के कॉन्सेप्ट पढ़े इस चैप्टर में पूरा, हमने आइडियल्स पर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है क्योंकि आगे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए इन डेफिनेशंस के एग्जांपल्स के साथ जानना बहुत जरूरी है ताकि आगे हम पढ़ सकें, लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कम आए हुए हैं, ठीक है ना। ज्यादातर क्वेश्चन जो आया हुआ है वो इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है, जो रिंग थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं। मॉडर्न अलजेब्रा में दो चीजें हैं, एक है ग्रुप थियोरी, एक है रिंग थियोरी। ग्रुप थियोरी से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, रिंग थियोरी से कम आते हैं, लेकिन रिंग थियोरी से ज्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं वो आया है आपका जो फैक्टर रिंग है वहाँ से हो गया, इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल से हो गया, एक्सटेंशन ऑफ फील्ड जो है वहाँ से हो गया, और आपका एक जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है यूक्लिडियन डोमेन यूएफडी वगैरह का कॉन्सेप्ट है वहाँ से, यहाँ से बहुत कम आया है, रेयर है। तो जो था वो मैं बता दिया, अगर आपको किसी भी तरह से डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।